नमस्कार, मैं जितेंद्र जाधव। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज के पेयर में हमको एक समस्या होगी जिसको हम बोलते हैं इंग्रोइड टोविलनोल। कुछ किसान भाइयों की समस्या होती है जो यहाँ साइड से मतलब बहुत पेन फोक पेन होता है और जो अंगूठा होता है वो अंदर दसता है, अंदर ग्रो होता है और राइट साइड में ऐसा कुछ हो जाता है जैसे मवाद पड़ना, अन्य समस्याएँ, मिट्टी घुस जाना। तो मेरे पैर में समस्या हो चुकी है तो इसके लिए सर्जरी भी करानी पड़ती होगी क्योंकि इसको यहाँ साइड से काटना पड़ता है दोनों तरफ से, क्योंकि अंगूठा जो नेल होता है हमारा वो अंदर की ओर दसता है। तो किसान साथियों, अभी इसको अब क्या करते हैं, इसके लिए आपको मैं थोड़ा सा एक चीज़ बताता हूँ क्या करना पड़ेगा। तो ये रहा हमारे पास कुछ सामान है मेडिसिन। तो ये रहा हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ये क्या करते हैं इसके अंदर यहाँ पर आप उनको थोड़ा साफ कर लेते हैं इससे, क्योंकि घाव माव मतलब अच्छे कीटाणु को साफ कर देता है। और हमारे पास अभी फ़िलहाल ये भी है। इधर मिट्टी घुस गई, इस तरह भी मिट्टियां घुस गई। काटना आने वाली है अभी, तो चलो देखते हैं जो होगा। कर लेते हैं अच्छे से, तो पोछ लेते हैं, अच्छे से क्लीन कर लेते हैं जिससे कि जो कीटाणु वो मर जाए। तो फिर उसके बाद हम कटाई करते हैं। देखिए ओथी, इसको भी नेल से हमें जड़ से काट लिया है और देखिए कितना सारा मेल था भाई, कितना सारा। और सब कीटाणु को पहले बाहर निकाल देंगे जो जो बेकार है। देखो एंग्रोइड टोविलनोल अभी हो चुका है फिलहाल। दो बूंद मैंने भी डाली है सोडियम पेरोक्साइड की, जो कि अंदर तक के कीटाणु को मार देगी भाई। पहले से मेरे अंड कितने स्वस्थ हो चुके हैं देख रहे हो एकदम से। हाइड्रोजन पेरोक्साइड पे इसमें थोड़ा सा है, वो भी नाइट को आप डालेंगे साफ हो जाएगा। उसके बाद सब साफ हो चुका है क्योंकि देखिए हमें मवाद सा बना हुआ है यहाँ पर कुछ अभी है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड रखेंगे उसके बाद सब साफ हो जाएगा। साथियों आफ्टर दो तीन दिन के बाद जो रिजल्ट आया है, मैंने आपके सामने वो लैब डेमो करा था, तो तीन दिन के बाद देखिए मेरा अंगूठा है सूज चुका है। तो ये डॉक्टर से सलाह लेंगे और जो मेडिसिन लेंगे जो देंगे वो, तो इसी कारण से ये करना ही बहुत ज़रूरी था। इंग्रोइड टोविलनोल कॉमन प्रॉब्लम होती है हर इंसानों को और इसका इलाज करना बहुत ही आवश्यक है, वरना बहुत पेनफुल दर्द होता है। तभी तो मवाद नहीं सब बन रही है और बहुत ही सूजन सा है, कहीं पैर भी नहीं रख सकता मैं अभी, इतने खतरनाक कंडीशन हो चुकी है मेरी। तो मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।